Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, पीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन, इनकी तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। क्योंकि तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। और इस सेशन में जहां हम आज टेंस पढ़ेंगे, आप लोगों ने लास्ट क्लास में बोला कि सर टेंस की एक क्लास करा दो, तो आज हमने पूरा डेडिकेट किया हुआ है इस चैप्टर को, टेंस का चैप्टर। 1 घंटा आज हम पढ़ेंगे पूरा, और पूरे टेंस के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आपके सामने अगर आप किताब उठाओगे तो बहुत सारे जैसे रूल्स आते हैं, तो हम बहुत सारे रूल्स को सम अप कर करके पढ़ेंगे, जिससे कि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट ना हो। बचपन में जो भी आपने कुछ टेंस में पढ़ा था वो सब कुछ अपने दिमाग में रखना, और उसको दिमाग में रखने के साथ साथ यहाँ पर रिलेट करना। आपके दिमाग में कई सारे डाउट्स आएंगे आज, तो उन डाउट्स को भी कॉन्टिन्यूसली बीच बीच में कमेंट में आप लिखते जाना, तो उसके हिसाब से क्या है वो डाउट्स भी हम लोग लेकर क्लियर करते जाएंगे। अब हम टेंस के चैप्टर को ही क्यों पढ़ रहे हैं, देर आर मेनी चैप्टर्स इन इंग्लिश। अब उन चैप्टर्स में टेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी रूल बनता है वो टेंस के इर्द गिर्द ही है। आप चाहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देख लेंगे तो वर्ब कैसे इस्तेमाल होगी, टेंस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं है। नाउन पर नाउन का इस्तेमाल अगर कहीं होगा, कहीं ना कहीं वो टेंस से ज्यादा कनेक्टेड होता है। तो टेंस को आना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते ना कि जो नींव होती है वो नींव यही है टेंस। तो एक एक करके दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, पॉइंट को हम नोट करेंगे और उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। आप लोग अपनी नोटबुक उठा लेना, ये मत सोचना कि वीडियो चल रहा है, वीडियो में हम देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप काम करेंगे सीधा एक कि नोटबुक उठाएंगे और नोटबुक में लिखते जाएंगे पॉइंट वाइज एक एक कर, क्योंकि मैं बड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, सभी लोग एक बार लाइक बटन में प्रेस कर दे जितने लोग देख रहे हैं जल्दी, और सेशन को शेयर मार दो अपने दोस्तों के साथ जिनको जरूरत होती है, जो कहते हैं हमेशा कि यार हमें इंग्लिश वीक है हमारी, हम कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो जिनकी इंग्लिश वीक है शुरुआत करो आप टेंथ से, है ना। आओ लिखना शुरू करो दोस्तों। टेंस होता क्या है, टेंस बेसिकली हम टाइम को कहते हैं,
किसी भी प्रकार का जो टाइम है उसी को हम टेंस कहते हैं। आज का टाइम है तो प्रेजेंट की बात होगी, जो हो चुका बीत चुका है वो पास्ट की बात है, फ्यूचर में क्या होगा एक वो टाइम है। तीन तरीके के टाइम होते हैं। अब इन तीन तरीके के टाइम में जो हमारे पास सर्टेनिटी को बताता है, निश्चित चीजों को बताता है, वो दो तरीके के टाइम होते हैं। पहला टाइम होता है दोस्तों जो प्रेजेंट का होता है। प्रेजेंट में क्या होता है, क्या हो रहा है, इट इज सर्टेन, ये निश्चित होता है, ये हमें पता है। लिख लो इसे, इन सारी चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं ना लिखते जाना, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो दिमाग में रखना कि अच्छा ये इसलिए बताया था क्योंकि सारी चीजें डॉट तभी कनेक्ट होंगे, ये चीज हमारी सर्टेन है। नंबर वन। नंबर टू, पास्ट में क्या हुआ, ये बात भी तो कहीं ना कहीं श्योरिटी होती है, सर्टेन है कि पास्ट में क्या हुआ, कहीं कुछ हुआ, कुछ तो हुआ क्योंकि हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो भी टाइम आपका सर्टेन ही होता है। तीसरा आता है दोस्तों फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा इस बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मॉडल्स पे चलता है। फ्यूचर में ऐसा होगा कोई श्योरिटी नहीं है, सिर्फ मॉडल्स पे चलता है। तो याद होगा आपको बचपन में पढ़ा होगा कुछ वर्ब होती है जिन्हें हम मॉडल वर्ब कहते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, ये सब मॉडल वर्ब्स होते हैं। हाँ, वो मॉडल वर्ब्स ही, इसीलिए उनका नाम मॉडल वर्ब आया, क्योंकि वो जितने भी आपके टेंस फ्यूचर में जो टाइम बनता है वो सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल पर ही चलता है। तो आपने दिमाग में लाया कोई एक मॉडल बनाते हैं हम लोग कि हाँ ऐसा होगा, तो कई बार वैसा हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता, तो इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं होती। अब जब ऐसा होता है तो इसे बताने के पीछे दोस्तों मकसद क्या है कि जो रूल्स भी बनते हैं ना वो इन्हीं के हिसाब से बन जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट और पास्ट सर्टेन होते हैं तो इनमें जो भी हमारे रूल्स बनते हैं ना वो रूल्स काफी सिमिलर होते हैं, जो रूल्स बनेंगे वो काफी दोस्तों सिमिलर बनेंगे, इसीलिए इन दोनों के रूल सिमिलर बनेंगे, जो फ्यूचर का बनेगा वो सिमिलर नहीं होगा, वो बस अलग होगा। तो आपको यहां से क्लैरिटी आ रखी कि ठीक है जो रूल्स हमारे ऐसे करके बनेंगे हमने दिमाग में रख लिया, डन। अब इन टेंस को पढ़ने के बाद इनके हम टाइप्स को पढ़ेंगे एक एक करके, टाइप्स को जरा, टाइप्स को मेरे को लिखकर बताओ आप ऐसे सभी लोग कि कितने टाइप्स होते हैं इसके, मुझे टाइप्स लिखकर बताओ, सब लोग लिखकर बताओ, वैसे तो मैं यहां लिख ही रहा हूं, आप लोग मेरे को लिख के बताओ जो टाइप्स ऑफ टेंसेज होते हैं, टेंस के टाइप्स होते हैं। अब इन टाइप्स से ही सारी चीज डिसाइड होती है, जैसे कि नंबर वन, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी में एक जरूर होता है जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट, है ना, इनडेफिनिट, या फिर जिसे हम बोलते हैं सिंपल, बात एक ही है। प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट होगा पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर होगा फ्यूचर इनडेफिनिट, तीनों में ये होता ही होता है, अपने दिमाग में ये बात हम लोगों ने रख ली, नंबर वन होता है। नंबर टू होता है दोस्तों कॉन्टिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सभी में होता है। नंबर थ्री होता है दोस्तों परफेक्ट, प्रेजेंट का होगा परफेक्ट, पास्ट का होगा परफेक्ट, फ्यूचर का भी होगा परफेक्ट। और नंबर फोर्थ होता है दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको लिखते जाना सभी लोग, ठीक है, ओके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपका चारों में रहता है। रूल्स आपको कुछ 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 याद रखने हैं, और मैं आपको रूल्स में ये नहीं बताऊंगा कि हम ऐसे सीख रहे हो कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं करेंगे। आप लोगों की जो भी लोकल लैंग्वेज रही है, स्कूल का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत सी जगह जैसे मैंने खुद पढ़ा हुआ है कि जहां पर ट्रांसलेट करना सिखाते हैं वो बस इस वजह से ताकि बच्चे को अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए, क्योंकि तब वो बच्चा है, बट अब आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, तो वो ट्रांसलेशन को साइड में रखना है। हम कुछ भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते कभी किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, हम सिर्फ उसका सेंस ट्रांसलेट करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, वही सेम बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे बस। तो हिंदी में मत सोचना ऐसे करके कि कोई एक सेंटेंस है उसके आखिरी में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट कहलाते हैं, रहा है, रही है, रहे होंगे तो ऐसा होगा, होगा, होगी, होगा तो ये होगा, मैं ये कुछ नहीं बताऊंगा, ता है, ती है, ते है, कुछ नहीं, इन सब से कोई लेना देना नहीं है हमें, हमें सिर्फ लॉजिकली सोचना है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया दोस्तों तो मुझे बताएं, जी सर समझ में आया, क्योंकि ऐसा आपने पढ़ा होगा का है, की है, के है, ता है, ती है, ते है, रहा, रही, रहे, कुछ नहीं होना, उससे कुछ नहीं करना। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे ये तो चार टाइप हो गए हमारे, ठीक है, अब इन चार टाइप का सबसे पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट में इनका इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट में हम इंडेफिनिट में आते हैं कि इंडेफिनिट का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे करके होता है। देखो
नंबर वन, हम कभी भी, यहां लिख दे रहा हूं आप भी लिखते जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कभी भी हम किसी भी एक ऐसे काम की बात कर रहे हैं, ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि रेगुलरली होता है, जैसे कि मैं सुबह 7 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं, आप डेली सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप डेली सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, आप सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं। ये जो सेंटेंसेस के सेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये रेगुलर काम होने वाले हैं, आपकी हैबिट वाली बात भी जो रेगुलर होती है, जैसे कि आप सुबह चाय पीते हैं, आप बिना चीनी की चाय पीते हैं, ये आपकी हैबिट में आता है। आप हमेशा सच बोलते हैं, ये हैबिट में आता है ना। आप हमेशा दूसरों से पोलाइटफुल तरीके से बात करते हैं, ये आपकी हैबिट्स में आता है, हैबिचुअल एक्शंस में आता है। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, हम हिंदी बनाएंगे तो तातीते ध्यान नहीं रखेंगे, बट हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि अगर हाँ कोई एक ऐसी चीज है जहां पर हमें हैबिट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, हैबिचुअल एक्शन जिसे हम बोलते हैं, यहां मैं लिख ले रहा हूं, हैबिचुअल एक्शन कोई भी हो रहा है यानी जहां हैबिट की बात हो रही है, रेगुलर एक्शन कोई हो रहा है यानी कि जो चीज रेगुलरली होती है और रेगुलर एक्शन होता है, और कुछ हमारे एक्शन ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं परमानेंट एक्शंस है, वो परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट एक्शंस। अब ये परमानेंट एक्शंस कैसे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, जितने ट्रुथ्स होते हैं उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, जो कि वैसे ही वैसे हैं, कभी बदलते नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो गए। एक चीज और लिख देता हूं, साइंटिफिक जितने भी फैक्ट्स होते हैं, ये जो सारी की सारी चीजें दोस्तों होती है ना, ये सब की सब आपको बताते हैं कि कोई काम रेगुलरली कोई चीज होती है, वो सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे, बस काम खत्म, एकदम क्लियर, बस आपको कुछ याद नहीं रखना, वो सब आपके दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे, बस काम खत्म। जैसे करके कैसे, अभी अगर मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आपको एग्जाम्पल दूं तो आपको समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर आपने पहला लिखा कोई हैबिचुअल एक्शन बताया, आपने कहा आई रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, तो आपका एवरीडे से पता चल रहा है कोई काम आप रेगुलरली करते हैं, आप हमसे प्रेजेंट डेफिनेट में बनाया आपने, है ना, ओके। आपने कहा आई वॉक, मैं वॉक करता हूं, आई वॉक एवरी डे, और छोटा सेंटेंस हो गया, आई वॉक एवरी डे, मैं हर दिन वॉक करता हूं, आपके दिमाग में ये क्या, ये कोई ऐसा है जो हैबिट को बता रहा है, जो कोई रेगुलर एक्शन को बता रहा है। तो आप ध्यान रखना, हैबिट और रेगुलर एक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट में भी होते हैं और पास्ट में भी तो होते हैं, पास्ट की बात को भी तो आप बता सकते हैं। अब आप बता रहे हैं अपने कॉलेज के दिनों की बात बता रहे हैं या फिर स्कूल के दिनों की बात बता रहे हैं, मैं डेली 8 बजे स्कूल जाता था, कितने बजे, 8 बजे, तो वो आपका रेगुलर एक्शन ही तो था। आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं डेली 8 बजे स्कूल जाता हूं, तो ये भी तो रेगुलर एक्शन है। इसका मतलब जो रेगुलर एक्शन होते हैं और हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट में भी होते हैं और पास्ट में भी होते हैं। तो प्रेजेंट में होंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगेगा, पास्ट होगा तो पास्ट का इंडेफिनिट लगेगा। अरे हां, लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, जरा लिखो। हमने कहा यहां पर आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं एट 8 AM, 8 बजे जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखा। ये सेंटेंस आपके जो प्रेजेंट में लिखे हैं इसको हम पास्ट में भी लिख सकते हैं। अब तो देखो रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो इसमें तो खैर आपको पता ही नहीं चल पाएगा, लेकिन वॉक की सेकंड फॉर्म वॉक्ड, अगर पास्ट में भी लिखा होगा तो भी करेक्ट है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट में भी लिखा होगा तो भी करेक्ट है। यानी कि अब हमें पता चल गया, जो रेगुलर कोई काम होता है, हैबिचुअल कोई एक्शन हो रहे हैं, प्रेजेंट में भी होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में भी होते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों सर्टेन होते हैं, तो इनके रूल्स भी आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे कई सारे, वो उनमें से पहला रूल सिमिलर ये हो गया। बात समझ में आ रही है, ये आपके प्रेजेंट में भी यूज हो गए, पास्ट में भी यूज हो गए। इसको दोस्तों आप लोग लिख लो, इसको दोस्तों आप लोग लिख लो। तरीका सिर्फ यही नहीं है, एक ही तरीका नहीं है, तरीके बहुत सारे, हम सारे तरीके नोट करेंगे। पहला तरीका अभी हमने लिखा, अभी हम परमानेंट एक्टिविटी यूनिवर्सल ट्रुथ तो साइंटिफिक फैक्ट्स पे नहीं आए।
इतना हमने लिखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, और कोई अभी इसमें परेशान मत होना, पास्ट है तो हैड लगाना है कि क्या लगाना, अभी इस पर टेंशन नहीं लो। इंडेफिनिट का मतलब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सिर्फ सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर में क्या कभी कोई ऐसी हैबिट बन सकती है क्या, बताना। हैबिचुअल एक्शन फ्यूचर का बन सकता है क्या? फ्यूचर में कोई चीज बन रही हो कैसे बनेगा? फ्यूचर में तो आप बता ही नहीं सकते कि आपकी हैबिट है। क्या फ्यूचर में कोई रेगुलर एक्शन बता सकते हो? नहीं बता सकते, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बनेगा। ये मतलब आपने लॉजिकली सोचा, याद ही नहीं करना कुछ, है ना। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, परमानेंट एक्टिविटीज, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड बाकी सारी चीजें। साइंटिफिक फैक्ट्स में फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ऐसे, है ना, ऐसे लिखा, When you keep the ice in air, in air का मतलब खुले में, जब आप किसी भी बर्फ को रख देते हैं खुले में, ठीक है, it melts into water, तो ये पानी में पिघलकर पानी बन जाता है। कहने का मतलब यही है, तो ये पिघलकर पानी बन जाता है। अब आपने ये सेंटेंस देखा, ये सेंटेंस आपका कैसा सेंटेंस है? क्या ये रेगुलर एक्शन है? नॉट एट ऑल। क्या ये हैबिचुअल एक्शन है? नॉट एट ऑल। तो ये क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट्स है जो साइंस पर बेस्ड बनती हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट है अगर आपके सामने, तो ये आपका साइंटिफिक फैक्ट इंडेफिनिट में रहेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये कभी आपका पास्ट नहीं बनेगा। आप कैसी भी ऐसी चीज को पास्ट नहीं बना सकते कि आपने कहा कि जब मैंने बर्फ को बाहर रख दिया, वो यार वो तो पानी बन गया है, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो होता ही है, इसमें शॉक होने की बात नहीं है, कुछ भी अलग होने की बात नहीं है, ये तो ऐसा ही होता है, ये कभी बदलेगा नहीं। जो कभी नहीं बदलेगा वो हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में रहेगा। तो स्ट्रिक्टली लिख लो, ये पास्ट में कभी नहीं हो सकता। मैं यहां लिख दूं, पास्ट में कभी नहीं बनेगा। ओके, डन, अपने दिमाग में रख लिया। हम जरा कुछ चीजें और लिख लेते हैं। ये हो गया नंबर वन, ठीक है, अब लिखो नंबर टू। आपने लिखा ये वाला सबसे बहुत ज्यादा पॉपुलरली आपने सुना होगा ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सबने सुना हुआ है। तो वो इसी वजह से सूरज उगता है, तो रेगुलरली कोई काम होता है तो होता ही, सब आपके परमानेंट एक्टिविटी में आ जाते हैं, वो साइंटिफिक में आ गया। आपने कोई चीज ऊपर फेंकी, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा इफ यू थ्रो द पेन अपवर्ड, अगर आप पेन को ऊपर फेंकते हैं तो ये नीचे आ जाता है ना, इट कम्स डाउनवर्ड, तो ये नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है क्यों आ जाता है? साइंटिफिक फैक्ट की वजह से ही तो ऐसा होता है, यस और नो, लिखते जाना। साइंटिफिक फैक्ट की वजह से ही तो ऐसा होता है, है ना। आप कोई भी चीज, ग्रेविटेशन फोर्स आया तो ऊपर जाएगी तो नीचे तो आएगी आएगी, है ना। आपने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सारे के सारे साइंटिफिक फैक्ट्स ही तो हो गए। तो ऐसी कोई भी चीज आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, आपके दिमाग से एक चीज क्लियर है, आपको कोई शब्द नहीं रटना है, कोई किसी भी तरीके कोई और लॉजिक रटना नहीं, सिर्फ लॉजिकली आपको समझना है कि हाँ ये सब कुछ होगा तो प्रेजेंट में ही जा सकता है, और कोई सिचुएशन नहीं बनती है। क्लियर है यहां तक सबको? तो मुझे सब लोग बताएं, जी सर क्लियर है, सब लोग बता दें, है ना, परफेक्ट है, बढ़िया। आप दोस्तों आगे बढ़ो, इतना हो गया अपना, ये हो गया, हम लोगों ने देख लिया टाइप्स ऑफ टेंस, देख लिए जिसमें प्रेजेंट डेफिनेट में देख लिया, ऐसे ऐसे एक्शन में प्रेजेंट डेफिनेट यूज होता है, और कहां कहां यूज होता है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब कभी भी ये रूल में जो आप बता रहा हूं इससे एरर नहीं बनता है, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप रेगुलरली न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जितनी भी न्यूज पेपर हेडलाइंस होती ना, हेडलाइंस होती हैं, तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, प्रेजेंट
इनडेफिनेट में लिख देते हैं, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा ऐसे करके, द सिटीजन्स हा कॉल फॉर द सिटीजन्स कॉल फॉर न्यू डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ऐसे करके हेडलाइन लिख देते हैं कि सिटीजन्स ने डिमांड करी है नए डेटा प्रोटेक्शन लॉ की। तो डिमांड करी है, जो भी कुछ हुआ होगा तो पास्ट में ही हुआ होगा, लेकिन वो अगर हेडलाइन बनकर सामने आ रहा है तो ध्यान रखना है वो आपका इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। ये ऐसी चीजें होती हैं। अब इसका मतलब ये कि क्या पक्का हमेशा इंडेफिनिट में होना चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रेजेंट में इंडेफिनिट ही जरूरी नहीं है, आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख देते हैं, आपको पास्ट में भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई आपका ग्रामर नहीं आ रही है, कोई वहां पर आपका कोई एग्जाम नहीं है जो कोई आपको चेक करे, और ना ही वो चीजें आपके एग्जाम में आएंगी। इट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो देख करके, अरे यार प्रेजेंट में क्यों लिखा है, ये तो पास्ट की कोई घटना है, पास्ट की कोई बात है, वो लिख देते। दिस इज जस्ट दी तरीका, आपको दिमाग में ऐसे रखना है, ठीक है? तो मुझे बताएं, जी सर ठीक है, हम दिमाग में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डन, बहुत बढ़िया। चलो, टाइम एंड टेंस का पार्ट टू नहीं मिल रहा है, दीपक बोल रहे हो बाबू ये तो पार्ट वन है, पार्ट टू तुम कैसे ढूंढ रहे हो, ये तो पार्ट वन खुद चल रहा है, पार्ट वन तो कंप्लीट हो, ऐसे परेशान मत हो, यहां तक हमने सीख लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, जब कभी भी हमारे कुछ और एक्शन आते हैं, जरा उन एक्शन को बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखा, यहां लिखते हैं, कुछ हमारी वर्ब होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं दोस्तों वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब पता है क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में समझना, आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को आप कैसे भापते हैं, कैसे समझते हैं, भापना, समझना, ये आपका कहलाता है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। तो ऐसी कोई भी वर्ब जो कि परसेप्शन के बारे में बताती है, चीजों को समझती है, उसमें आपको ना हमेशा इनडेफिनिट में उसे यूज करना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपने कई बार ऐसे सेंटेंस सुने होंगे ना, ओ आई सी, अच्छा ये हो गया, ओहो ये जो करते ना, ओह वो समझते हैं, वो आपको सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं समझता हूं या मुझे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओ आई सी, मैं समझता हूं, ओके आई गेट इट, मैं आपको समझ रहा हूं, सेंस उसका समझ रहा हूं, समझता हूं, जो भी आए, लेकिन अगर वो परसेप्शन में आएगा तो हमेशा इनडेफिनेट में होगा। तो आप जब इसे ऐसे लिखते हैं, आई सी द सिचुएशन, आई सी योर प्रॉब्लम, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को देखता हूं, मैं आपकी सिचुएशन को देखता हूं, नहीं, मैं सिचुएशन को समझता हूं, मैं प्रॉब्लम को समझता हूं, ये सेंस आता है उसका, वो हमेशा इनडेफिनिट में रहेगा। क्या ये बात दिमाग में रहेगी? वो हमेशा दोस्तों आपका इनडेफिनिट में रहेगा जब कभी भी इस तरीके से ऐसे, ये परसेप्शन को ही तो बता रहा है, ये सी का मतलब देखना नहीं, सी का मतलब समझना, अंडरस्टैंड, मैंने ये लिख दिया, ये सेंस आता है, आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, ये सेंस देता है। बात समझ में आ रखिए, परसेप्शन में कोई चीज ऐसी बताई जा रही है। अब सिर्फ परसेप्शन ही नहीं होता है, आपके परसेप्शन होते हैं, आपके इमोशन होते हैं, आपके परसेप्शन होते हैं, आपकी इमोशन बताने वाली वर्ब भी होती है। अब इमोशन वाली वर्ब कैसे होती है, जैसे कि मैं उसका भी एग्जांपल देता हूं, देखो आपने लिखा, इमोशन में आप किसी को बताते हैं कि आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी से नफरत करते हैं, आप किसी को समझ पाते हैं, इमोशन है ना, आप किसी से कोई उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, ये सारी के सारे आपके इमोशन ही तो हुए, यस। वो इमोशन आपके किसी और टेंस में नहीं होने चाहिए, वो भी आपके इनडेफिनेट में होते, तो आप ऐसे लिखते हैं, आई होप
मैं आशा करता हूं, और सेंटेंस आपने बनाया आई होप दैट यू विल बी वेरी वेल वेरी सून, कुछ भी सेंटेंस लिखा है, बट आई होप मैं आशा करता हूं, आप ये नहीं लिख सकते आई एम होपिंग, मैं आशा कर रहा हूं, भले ही सेंस ऐसा जा रहा हो कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ऐसा हो जाए, मैं ऐसा आशा कर रहा हूं कि ऐसा हो जाए। हाँ हाँ, लिखना शुरू कर दिया, प्यार मोहब्बत के सेंटेंस तो आएंगे, वो कैसे छूट जाएंगे, लिख दे रहा हूं, तुम चिंता मत करो, यहां सारे बाबुओं को चिंता हो गई थी है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो प्यार कर रहा हूं नहीं होगा, कुछ और नहीं सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये इमोशन है, तो इमोशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वहां इमोशन होगा, वो आपके हमेशा इनडेफिनिट में ही आएंगे, और इंडेफिनिट का मतलब क्या सिर्फ प्रेजेंट में होता है, नहीं, ये इमोशन क्या सिर्फ प्रेजेंट में ही बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, इमोशन तो हमारे पास्ट में भी बन सकते हैं, है ना, मैंने ऐसी उम्मीद की थी कि कुछ अच्छा हो जाए, सो आई होप्ड, पास्ट भी बन जाएगा, यानी कि ये आपका प्रेजेंट बनेगा तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, पास्ट बनेगा तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा, आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें प्यार किया है, ओहो पास्ट, आई सी द सिचुएशन, मैं सिचुएशन समझता हूं, आई सॉ द सिचुएशन, मैंने सिचुएशन समझी है, ये पास्ट है समझना, अंडरस्टूड, पॉइंट समझ में आ रखी है बात, यानी कि जो हमारे परसेप्शन होते हैं, जो इमोशन होते हैं, वो आपके प्रेजेंट में होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट के होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बनेंगे, समझ गए, बढ़िया, तो पढ़ाई लिखाई की बात छोड़कर बाकी कोई बात कर लो, सही बता रहा हूं, दुनिया भर में लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब इतने सारे दिल आ रहे हैं यहां पर, ये सारे दिल यही निकाल दे रहे हैं, जिनको दिल देने थे उनको दे नहीं पाए, लाख कमेंट में निकाल दे रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ यार, देख के पता ही नहीं चल रहा है कि अंग्रेजी की क्लास चल रही है, क्या चल क्या रहा है, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे माता पिता देख रहे होंगे, कह रहे होंगे या देख ही नहीं रहे होंगे, दिक्कत तो ये भी है ना, चलो समझ में आ गया, परसेप्शन हो गया, इमोशन हो गया, सेम एज आपकी थिंकिंग को भी बताता है कि आपको कैसा लगता है, हाउ यू फील, तो आप कहते हैं मुझे ऐसा महसूस होता है, आई फील इट इज नॉट गुड, तो आप जब कहते हैं किसी चीज के लिए मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा नहीं है, मुझे वैसा लगता है अच्छा नहीं है, तो वो भी इसी में आता है, आपने लिखा आई फील, मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर You are not for this project. मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो, तो जब आप ऐसे लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है तुम इस प्रोजेक्ट के नहीं हो, क्या ये लगता वाला कोई फील वो थोड़ी ना महसूस थोड़ी कर रहा हो कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये वो फील नहीं है, आई एम फीलिंग समथिंग, वो फील अलग है, क्योंकि वो आप वहां पर परसेप्शन, वहां पर इमोशंस नहीं है, जहां परसेप्शन इमोशंस आएंगे ये लॉजिक सिर्फ वहीं काम करेगा, आपका फील फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा प्रेजेंट में, और सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में करोगे तो फेल्ट भी हो जाएगा, इतना समझ में आ गया दोस्तों, डन, परफेक्ट है, चल बहुत बढ़िया, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अपना इतना हो गया, परसेप्शन हो गया, और हम दो दो चीजें सीखते जा रहे हैं, दोबारा फिर से आएंगे, एकदम से भूलेंगे नहीं कि प्रेजेंट में हम ये बातें कर रहे हैं, ये सब प्रेजेंट में होंगी या पास्ट में भी होंगी, क्योंकि दोनों सर्टेन होते हैं, तो रूल आपके काफी हद तक सिमिलर होते हैं, चलो हमने यहां पर देख लिया सिमिलर सिमिलर रूल, हमें यहां पर आ गए, एंड वी हैव सम मोर पॉइंट जिसको हम दिमाग में रखते हैं, देखो पॉइंट क्या है, जब कभी भी कोई एक टेंस मैं लिखूं आपके सामने, और मैं उसको ऐसे लिखूं कि I have completed my work last night ही मैंने अपना काम complete कर लिया, अब देखो दोस्तों हम present indefinite के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में जब आते हैं तो जहां पर हम हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट उसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि आपके पास अगर कोई ऐसा वर्ड दिया है जो कि आपको यह बता रहा हो कि जो काम हुआ है या जो भी एक्शन हुआ है वो प्रेजेंट में ना होकर पास्ट में हुआ है, तो फिर उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते,
वो हमें कैसे पता चलेगा, मैं उसके बारे में बताता हूं। वो है जैसे कि लास्ट नाइट। अब ये बताओ कितने लोगों ने पहचाना इस लास्ट नाइट वाले टर्म से कि सर हां लास्ट नाइट वाले टर्म से पता चल रहा है लास्ट नाइट है तो यानी कि ये पास्ट है। आप लोग सब लोग बड़े ध्यान से देखो कैसे कैसे करके हम पहचानेंगे पास्ट के टाइम को। तो जरा यहां हम पास्ट के टाइम को लिख ले रहे हैं, वो टाइम जो आपको पास्ट के बारे में बताता है, वो टाइम जो आपको किसके बारे में बता रहा है, पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। देखो कोई भी टाइम जो लास्ट करके दिया होगा ना वो सब पास्ट में होगा, लास्ट के साथ कोई टाइम दिया हो जैसे करके ऐसे लिखा हो, है ना। आपने कहा ये काम तो पिछले ही घंटे हो गया लास्ट आवर, पिछले ही दिन हो गया लास्ट डे, पिछले ही महीने हो गया लास्ट मंथ, पिछले ही हफ्ते हो गया लास्ट वीक, पिछले ही साल हो गया लास्ट ईयर। तो लास्ट करके ऐसे करके कुछ भी दिया होगा ना तो वो आपका पास्ट में ही जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर अगो करके कुछ भी दिया हो, किसके करके, अगो करके कोई टाइम दिया होगा ना तो वो जो टाइम होगा वो भी आपका दोस्तों पास्ट के बारे में बताएगा। जैसे कि आपने कहा कोई काम हो गया है कितने टाइम पहले, आपने कहा 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, है ना। आपने कहा 3 महीने पहले, 3 मंथ्स अगो, तो ये भी आपका पास्ट हो गया। आपने कहा 3 सेकंड पहले, 3 सेकंड अगो, तो ये भी आपका दोस्तों पास्ट ही है। मतलब अगर आप 1 सेकंड अगो भी लिखते हो तो 1 सेकंड अगो भी दोस्तों आपका पास्ट है। कहने का मतलब है कि आपका बताने का तरीका आपको बताएगा कि वो आपका टाइम प्रेजेंट में जा रहा है कि पास्ट में जा रहा है, सिर्फ बताने का तरीका ही जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ऐसे करके पास्ट में हमारे सामने ये हो गया। अभी इसी पास्ट को दिमाग में रखते रखते हम एक और टाइम को लिखेंगे, ये हो गया। अब कई बार क्या होता है, ऐसे करके लिखा नहीं होता, आपको समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा है ऐसे करके ड्यूरिंग माई स्कूल, मेरे स्कूल के दौरान कोई बात हुई, तो ड्यूरिंग माई स्कूल से पता चल रहा है ना आज की बात नहीं हुई होगी, पास्ट की बात कह रहे होंगे हम, पास्ट में कुछ हुआ होगा। आपका कोई ईयर करके दिया हो, आपने लिखा इन 2010, 2010 में कुछ हुआ, तो 2010 में कुछ हुआ ये भी आपके पास्ट में हुए किसी इवेंट को ही तो बता रहा है, पास्ट में हुए किसी इंसिडेंट को बता रहा है। बात समझ में आ रही है, एक बार यस करके बताना कि हाँ सर यही तो बात हो रखी है। अच्छा ये ईयर करके दे रखा हो, कुछ और भी दे रखा हो, कुछ और कैसे दे देते हैं, जैसे कि हमने कहा व्हेन दे कॉल्ड मी, जब उन्होंने मुझे पुकारा। एक्चुअली क्या है, पूरा का पूरा सेंटेंस है और वो सेंटेंस भी आपको बता देता है, अच्छा ये खुद सेकंड फॉर्म में है, यानी कि ये इंसिडेंट है जो कि पास्ट को बता रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका पास्ट बन गया। जब ऐसी चीजें पास्ट 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 की बन जाती है ना तो हम इन सबको पास्ट मानते हैं, फिर ये प्रेजेंट का जो परफेक्ट है वो परफेक्ट नहीं बन के रहता है। फिर प्रेजेंट का परफेक्ट कब बनता है, जब ये टाइम नहीं दिया होता है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट बनता है। कैसे, बड़े ध्यान से सुनो, जैसे लास्ट नाइट लिखा था तो इसे पास्ट बनना चाहिए, पास्ट कैसे बनेगा, तरीके कई सारे हैं, या तो ऐसा लिखा होता आई, सेकंड फॉर्म लिखी होती आई कंप्लीटेड माई वर्क लास्ट नाइट, या फिर लिखा होता इस तरीके से आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क लास्ट नाइट, पास्ट मर के ऐसे करके दे रखा है। अब हमें ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, जब प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम दिया हो। प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम कैसे दिया होगा दोस्तों, देखो सेंटेंस लिखा होता है ऐसे आई हैव कंप्लीटेड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने एक काम कर लिया है आज, टुडे। टुडे देखकर ही पता चल जाता, अच्छा सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट ही हो गया, अभी आपका पास्ट नहीं बन पाएगा। आपने लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे ना लिखकर आप कोई और टाइम बता रहे हो, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड ना माई वर्क नाउ, अब मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। आपका ये टाइम है जो कि आपको प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। कई बार नाउ नहीं लिखा होता, जस्ट नाउ करके लिख देते हैं, जो भी टाइम लिखा हो या फिर टाइम ना भी मेंशन हो। जब टाइम मेंशन नहीं हो, व्हेन
टाइम इज नॉट मेंशन। जब टाइम मेंशन नहीं भी होता है ना तो भी हम उसे प्रेजेंट का परफेक्ट ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वहां पर कोई टाइम मेंशन नहीं है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड माय क्लास, मैंने कोई यहां पर टाइम नहीं बताया, सिंपली मान लिया जाएगा मैंने क्लास कंप्लीट कर ली। कहीं कुछ दिया हुआ है, कुछ पास्ट में हुआ है तो आप पास्ट मान लेंगे, आई कंप्लीटेड माय क्लास, आई कंप्लीटेड द चैप्टर, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। जब तक कोई टाइम नहीं है तो जो जैसा दिया है वो करेक्ट है, हम उसमें कोई भी चेंज किसी भी प्रकार का नहीं करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको तो मुझे बताएं, सर समझ में आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को हम कब कब यूज करते हैं और कभी कंफ्यूज नहीं होना है प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट या पास्ट से। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया तो मुझे बताएं, है ना सब लोग डन, परफेक्ट है, बढ़िया, और अच्छा लगे तो थम्स अप भी जरूर दे देना, बढ़िया तरीके से शानदार। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको नोट जरूर करते जाना जो मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये मत सोचना कि इसमें है तो बस हो गया अपना काम, वो गड़बड़ हो जाएगी, नोट नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में नहीं रहेगा। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि पास्ट के बारे में बताएं, पास्ट में यस्टरडे लिखा है तो पास्ट है, डे बिफोर यस्टरडे लिखा है तो पास्ट है, कोई भी पुराना प्रीवियस डे करके कुछ लिखा वो सब पास्ट है, पास्ट का कोई भी टाइम नहीं। बट अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट पे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमने पास्ट के बारे में सीखा। अच्छा अब हम आ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। अब अगला जो रूल बनता है दोस्तों वो बनता है परफेक्ट में ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे कॉन्टिन्यूअस तो बताने की जरूरत नहीं है लेकिन सुन लो, कोई काम लगातार चल रहा है कॉन्टिन्यूअस है, आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्टिन्यूअस है, यू आर लर्निंग आप सीख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, यू आर वॉचिंग योर वीडियो आप अपनी कोई वीडियो देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, यू आर टॉकिंग टू समवन कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल, देयर इज नो कंफ्यूजन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं, वो भी प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, मैं यहां लिख देता हूं, कोई काम है पास्ट में शुरू हुआ और कब तक चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा है ना, पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी चल रहा है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में चल रहा है वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आपने पढ़ना शुरू किया, कब शुरू किया था, 9 बजे, अभी 9 बजे शुरू किया और अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:42, तो पिछले 42 मिनटों से आप पढ़ रहे हैं, आप पिछले 42 मिनटों से पढ़ रहे हैं, तो 42 मिनटों से पढ़ रहे हैं तो पास्ट में ही शुरू हुआ और अभी भी आप कंटिन्यू कोई काम कर रहे हैं, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कोई काम प्रेजेंट में भी चल रहा है। अब यही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसा होता है, अभी सिर्फ तरीके समझेंगे, रूल हम बाद में देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल नहीं रहा है, पास्ट में खत्म ही हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नंबर 1, यहां लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि दोनों के रूल काफी हद तक सिमिलर होते हैं ना, साथ के साथ बता देंगे सब याद रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, पास्ट में जो भी काम है वो शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही फिनिश यानी एंड हो गया, कोई काम पास्ट में ही एंड हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कैसे, हमने कहा कि आप बात बता रहे हैं पास्ट के, आपने 2 दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं कहते, आप कहते हैं कि सोमवार से आप पढ़ रहे थे, कब तक पढ़ रहे थे, जब मैंने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया तब तक आप 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। क्या सोमवार से आप 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे जब मैंने नया चैप्टर शुरू किया,
सोमवार से आप चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, कब, जब मैंने नया चैप्टर शुरू किया, तो सोमवार से कोई काम करते 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 आप तब तक कर चुके थे, खत्म हो गया काम, और उसके बाद से कोई नया काम शुरू हो गया, तो आपको मालूम है पास्ट में ही वो काम खत्म हो गया, पास्ट में कभी शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका ये बनता है। पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों, मुझे बताएं। जी सर, समझ में आ रहा है हमें, पॉइंट सही तरीके से आ रहा है ना, डन, परफेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद हम इसी के रूल समझते हैं। इन्हीं के रूल में बहुत सिंपल सिंपल सी चीज होती है, जैसे कि अगर आप कोई भी टेंस लिख रहे होते ना, तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम आता है कोई काम कब से शुरू हुआ, कब से लेकर कब तक चल रहा है, तो उस तरीके के टाइम को दो शब्द बताते हैं, सिंस पहला है और दूसरा है फॉर, सिंस और दूसरा है फॉर। सिंस मतलब तब से, फॉर का मतलब भी तब से। अब जैसे कोई भी टाइम जो कि फिक्स्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट है उसका, वो पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम फिक्स्ड टाइम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम अगर कभी होगा तो वहां सिंस यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम एक ऐसा समय जिसमें कोई ड्यूरेशन नहीं बताई जा रही है, कोई पीरियड नहीं है, कोई समय काल नहीं है, वो टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। लेट्स सपोज मैंने कहा 9 AM, कोई काम हो रहा है, कब से हो रहा है, 9 AM से हो रहा है, तो 9 AM आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या खुद एग्जैक्टली 9 AM में कोई ड्यूरेशन है? नॉट एट ऑल। अगर मैंने ये कहा होता कोई काम मैं कर रहा हूं 9 घंटे से, 9 आवर्स, तो 9 आवर्स एक ड्यूरेशन को बताता है, 9 आवर्स एक ड्यूरेशन को बताता है। इसीलिए जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके साथ सेंस आता है, और जहां पॉइंट नहीं ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, टाइम की ड्यूरेशन, टाइम का पीरियड आता है, वो समय काल को बताता है, वहां आपका फॉर लगता है। और एग्जाम्पल, आपने कहा कोई काम आप कर रहे हैं मंडे से, तो मंडे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई ड्यूरेशन नहीं है, बट आपने कहा मंडे 2 दिन पहले से था, तो आप कोई काम कर रहे हैं 2 डेज से, तो जैसे आपने लिखा 2 डेज, तो 2 डेज ड्यूरेशन को बता रहा है। पॉइंट समझ में आ रही है ना बात? सेम एज कोई भी टाइम लिखा हो, आप कोई काम कर रहे हैं चाइल्डहुड से, बचपन से आप कोई काम कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई ड्यूरेशन नहीं, कोई काम आप कर रहे हैं कई वर्षों से, मेनी ईयर्स, तो मेनी ईयर्स आपका क्या हो गया, ड्यूरेशन हो गई। आपने कहा कोई काम कर रहे हैं आप सेवरल आवर्स, कई घंटों से, आपकी ड्यूरेशन हो गई। आप कोई काम कर रहे हैं कुछ क्षणों से, हम कहते हैं फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल, अ वाइल करके वो टाइम बताता है, वो ड्यूरेशन ही तो है। जब आपके पास ड्यूरेशन है तो आप फॉर लगाते हैं, और जब आपके पास ड्यूरेशन नहीं पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप सेंस लगाते हैं। आपने कोई डे लगा दिया, कोई आपने कोई ईयर का नाम लगा दिया, कब से कोई काम हो रखा है, आपने कहा सिंस 1947, आपका ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, कि क्या यहां पर बोला जा रहा है, क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और क्या होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। इसको नोट करके आप समझते भी रहना कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है कि क्या है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अब हम दोस्तों इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि कोई काम कब से हो रहा है, सिंस फॉर के साथ अपना बनता है। यहां पर लौट कर आते, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों को दिमाग में रखेंगे। तो अब हमने रखा, तो होता क्या है सेंटेंस में परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। आप बहुत ध्यान से सुनो, मतलब कुछ रटना नहीं कि रटने लग जाओ। आपने कहा यहां पर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों होता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए, हैज और हैव होना चाहिए प्रेजेंट में, है ना, और हैड होना चाहिए पास्ट में। परफेक्ट का मतलब हैड थर्ड फॉर्म और हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन दोनों है, परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस भी है। थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, कोई काम हो रखा है तो हम बी वर्ब लगाते हैं। कौन सी वर्ब लगाते हैं दोस्तों, बी वर्ब, है ना। तो थर्ड फॉर्म चाहिए हैज के साथ, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बीन, तो हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट में होता है, और पास्ट में बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन, तो हैड बीन पास्ट में होता है। ये तो परफेक्ट का रोल निभ गया, हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म।
अब बच्चा आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, जो भी वर्ब होती है उससे आईएनजी लगाते हैं ना, तभी तो कॉन्टिन्यूअस आता है, इसलिए यहां पर जो भी वर्ब होगी उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो हो जाता है हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी प्रेजेंट में, और यहां हो जाता है हैड बीन आईएनजी पास्ट में। पॉइंट समझ में आ गया, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये पॉइंट तो यहां तक का है कि ये परफेक्ट है और वो कॉन्टिन्यूअस, दोनों एक साथ आता है। अब इसके बाद जो भी हम टाइम बताते हैं, टाइम उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। अभी हमने देखा पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंस और फॉर हम देखेंगे, वो क्वेश्चन को देखकर ही पता चलेगा, जैसा टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे, यही वाली बात होती है, जैसा टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सेम है जैसा यहां पर है वैसा ही दोस्तों आपका यहां पर है, सिंस और फॉर, जैसा टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, तो ये हमारे दोनों हम लोगों ने लिख लिए, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का, लिख लो जरा इसको, ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, ठीक है। अब हम सेंटेंस लिख लेंगे तो हमें वो सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा, सीखते जा रहे हो ना सब लोग, है ना, बढ़िया, अच्छा लगे थम्स अप हम सब भी दे देना, बढ़िया तरीके से, चलो सीख गए, बहुत बढ़िया, आ जाओ, ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, अब आपने लिखा, जो लोग बिल्कुल एकदम नए हैं मैं आपको बताता हूं, हैज कब लगता है, जब सिंगुलर होगा, ठीक है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, हैज कब लगता और हैव कब लगता है, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। अब तुरंत जैसे यहां पर आता है, तुरंत आपके दिमाग में आता होगा, सर आए तो अकेला सिंगुलर होता है, तो आए के साथ हैव क्यों लगता है, सर इसके पीछे रीजन क्या है, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, क्यों रीजन नहीं है सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रीजन ना हो, हो सकता है सर विशाल सर आपको पता ना हो, हाँ 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 ये हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी भाषा को समझते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो लैंग्वेज में लॉजिक्स के ऊपर बनी है लैंग्वेज, ऐसा नहीं होता है, लैंग्वेज तो ऐसे बनती है जैसे आप बोलना शुरू कर दिए, सामने वाले ने समझना शुरू कर दिया, धीरे 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 करके बस वही एक लैंग्वेज बन गई, उसका कोई रूल नहीं बनाते। जब सब्जेक्ट्स होते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं कि इसके साथ ऐसा तो हमेशा ऐसा रहेगा, और एक्सेप्शन हुआ तो क्यों है, तो एक्सेप्शन के पीछे भी रीजन होगा, लैंग्वेज में रीजंस नहीं होते हैं, लैंग्वेज में जो आप बोल रहे हैं जैसा बोला जा रहा है बस वैसा ही धीरे धीरे आपका बनता चला जाता है, और कोई लॉजिक नहीं होता। हिंदी में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अब आप तुरंत समझ पाओगे, देखो एक बढ़िया एग्जाम्पल दिमाग में आया, तुरंत समझ पाओगे कि आपको समझ में आएगा कि अच्छा ही सर आसपास के वातावरण माहौल के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। मैंने यहां पर एक किसी का नाम लिया, मैंने निधि कुमारी आपका नाम लिया, निधि कुमारी और मैं काफी आपसे बड़ा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपसे कहा कि बेटा एक काम करो, एक काम कर दो, तो मैं आपसे बोल सकता हूं, मैंने निधि से बोला बेटा एक काम करो ऐसा कर दो, तो निधि ने वो काम कर दिया, ठीक है। अब मैंने एक और नाम लिया, मैंने नाम लिया यहां पर अंकित का, अंकित को मैंने कहा बेटा एक काम करो ऐसा काम कर दो, अंकित ने भी वो काम कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं दोनों से, चाहे वो निधि लड़की हो चाहे वो अंकित लड़का हो, बेटा ये काम कर दो, बेटा ये काम कर दो, ओके लैंग्वेज है। अभी मैंने थोड़ा बदल दिया, अब मैंने निधि से कहा, दोनों के लिए बेटा यूज किया, ठीक है, निधि से कहा बेटी एक काम कर दो, बेटी ने एक काम कर दिया, अब मैंने अंकित से कहा बेटी एक काम कर दो, अंकित तो बिदक जाएगा ना, उसे गुस्सा आ जाएगी, क्या ऐसे कहते बोल देता हो जाएगा ना, तो यार ये लॉजिक फेल हो गया यार, आप एक शब्द को एक कभी यूज कर पा रहे हैं दूसरी जगह नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्यों, ये कोई रूल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक भाषा है, जैसे हिंदी में समय समय पर सिचुएशन के हिसाब से जैसा बोला जाने लग जाता है वैसा वैसा वो भाषा बनती चली जाती, कोई रूल नहीं बन के आता किस चीज को आप कहां यूज करते हैं। सेम एज इंग्लिश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना कि नहीं सर अरे ये कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं, आपके दिमाग में रखना चाहिए, समझ में आ रही है बात मेरी तो मुझे बता दें, जी सर वी गॉट इट, समझ गए, आओ एग्जाम्पल लिखता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल दिखाता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिखा, आपने कहा आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग 9 बजे से पढ़ रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा सिंस 9 AM, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर यही मैंने लिखा आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं
फॉर 42 मिनटों से, फॉर 42 मिनट्स। तो फॉर 42 मिनट्स जैसी मैं लिखूंगा तो ये तो आपकी ड्यूरेशन को बता रहा है, इसलिए हमने फॉर लगा लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है दोस्तों? बस यही चीज सिंपल सी आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बेडक बिदकने का मतलब समझ में, बेडक बिदकने का मतलब ऐसा होता है यार, कोई बिदक गया मतलब ऐसे कि गुस्सा हो गया वो होता है बिदकना। शादी ब्याह नहीं होते, शादी ब्याह में कोई ना कोई रिश्तेदार होता है। आप मस्त अपनी शादी ब्याह कर रहे हो, आपके घर में आपके भैया दीदी की शादी ब्याह और आप बढ़िया सब इंतजाम कर रहे हो, और रिश्तेदार में कोई ना कोई एक निगल आता जो बिदक जाता है, तो ऐसा करके कोई बिदक जाता है ना, तो वो हो जाता है बिदकना। वैसे बिदकना शब्द यार घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसे पॉजिटिव लेना यार, तुम लोगों के लिए तुम बढ़िया लोग हो यार, घोड़ा मजबूत होता है, पावरफुल होता है, ठीक है। चलो तो अपना यहां पर हम लोगों ने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को दिमाग में रख लिया, सिंपल, और कोई दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, बट एक पार्ट कंप्लीट होने के हिसाब से आज अपने पास हमने इतना टाइम लिया, लेकिन इतने टाइम में अपना इतना ही हो पाया, बट कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे हम इसे और सीखेंगे। दोस्तों इसी चीज में मैं आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद दिमाग में ये रखो कि किस तरीके से हम पास्ट को और कहां कहां यूज कर सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूं। जैसे कि कुछ हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, उन एक्सप्रेशन को अगर आप दिमाग में रखो, अभी हम पास्ट में आ चलते हैं, अभी प्रेजेंट की कुछ कुछ चीजों को पढ़ा हमने, पास्ट को मिलाते मिलाते अभी पास्ट की कुछ कुछ चीजों को और कंप्लीट करते जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट, जैसा अभी हमने देखा, चाहे वो हैबिट हो, हाँ अभी हमने हैबिचुअल एक्शन में देखा था ना, चाहे वो हैबिट्स हो, ठीक है वो हमने देखा था यूज हो गया, चाहे फिर हमारे वो रेगुलर एक्शंस हो, हमने वहां देखा ऐसे करके यूज हो गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ टाइम ऐसे करके दिया होगा, पास्ट में यूज हो जाएगा, आपने देखा ठीक है पास्ट में यूज हो गया। इसके अलावा हमारे जो इमोशंस वगैरह होते हैं है ना, उसमें यूज हो जाता है, जो हमारे परसेप्शंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, वहां हर जगह जो अभी तक हम लोगों ने देख लिया, यहां तो हर जगह पास्ट इंडेफिनिट यूज हो ही जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे सामने फ्रेजल एक्सप्रेशन बोलते हैं उन्हें, तो उनको याद रखो, जैसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस, तो इन एक्सप्रेशंस को याद रखो, जैसे कि अलग कलर से लिखते हैं तो आपको दिखेगा, कहीं लिखा हो ऐसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, है ना, इट इज पीक टाइम, है ना, इट इज अबाउट टाइम, ओके। ये अगर कहीं आपके सामने दिए हैं ना, ये एक्सप्रेशन है, और इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इन सबका मतलब है कि अब वो वक्त आ चुका है कि कोई काम हो जाना चाहिए, अब वो वक्त आ चुका है कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, अब वो वक्त आ चुका है कि आपको इंग्लिश पर ध्यान देना चाहिए, अब वो वक्त आ चुका है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, कोई भी काम कर देना चाहिए। ये सेंस दोस्तों आपके सामने आता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ही आप कहते हो अब वो वक्त आ चुका है ऐसा होना चाहिए, तो चाहिए के लिए सबसे पहले आप ध्यान रखना, कोई चाहिए की इंग्लिश नहीं होती है। पहली बात तो ये कि आप चाहिए की इंग्लिश ढूंढने लग जाओ और आप पहुंच जाओ शुड के घर पे, तो ऐसा मत करना, ठीक है, कोई उसकी से इंग्लिश नहीं होती है। इट इज हाई टाइम, ये सब कुछ करके दिया होगा, तो इनके बाद जो भी सेंटेंस कनेक्ट होगा, इनके बाद जो भी सेंटेंस कनेक्ट होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। समझ में आ गई दोस्तों बात? वो किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। आप जरा देखो एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, इधर आ चलते हैं। आपने लिखा ऐसे करके इट इज हाई टाइम, अब वो वक्त आ चुका है यू अप्लाइड
दी मेजर्स, कि आपको मेजर्स यानी जो तरीके हैं तरीके अप्लाई कर देने चाहिए। अब वो वक्त आ चुका है कि आपको मेजर्स अप्लाई कर देने चाहिए, आपको ऐसा काम कर देना चाहिए, ये सेंस आता है। लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसको आपको पास इंडेफिनिट यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखना होगा। गलती देने के लिए ऐसे लिख देते हैं, यू शुड अप्लाई दी मेजर्स, बट वो तो गलत हो जाएगा ना, अभी हमने देख लिया वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपका जो शुड है वो उसकी हिंदी इंग्लिश मत बनाना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ना शुड अप्लाई लगेगा, ना ही शुड हैव करके कुछ लगेगा, सब पूरा का पूरा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। याद रहेगा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए बस। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए बस, नथिंग मोर एनीथिंग, और कुछ भी नहीं। डन। इट इज टाइम फॉर मैरिज। अच्छा, इट इज टाइम फॉर मैरिज में पास्ट कहां से आया? देखो बाबू, रिकॉर्डिंग क्लास है ये। अरे बाबू तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम कहां सुबह सुबह से कुछ खा पी के आए हो क्या? और रिकॉर्डिंग क्लास है, भगाओ इस लड़के को। सब लोग जरा क्लास में बैठे होते हैं ऐसे बच्चे जो बिल्कुल शांत होते हैं, ये ऑनलाइन क्लास के मिल के जो मर्जी कुछ भी बोलने लग जाते, बड़ा मुर्गा बना दिए जाते हैं। अभी तुम क्लास में होकर ज्यादा हरकत कर रहे होते हैं। देखो दोस्तों, सिंपल ध्यान रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस देखना है। इसके बाद सेंटेंस आएगा वही तो पास्ट में होगा। इट इज टाइम फॉर मैरिज में सेंटेंस कहां है? जबरदस्ती थोड़ी पास्ट बनाओगे, सेंटेंस होगा तभी हम पास्ट बनाएंगे दोस्तों, है ना। इट इज टाइम टू गो, सेंटेंस कहां है यहां पर? सेंटेंस होगा तभी पास्ट बनेगा ना। इट इज टाइम टू डू समथिंग, सेंटेंस यहां भी नहीं है, सेंटेंस होगा तभी पास बनेगा। इट इज टाइम यू अप्लाइड द मेजर, इट इज टाइम यू स्टार्टेड द वर्क, इट इज टाइम यू स्टॉप्ड समथिंग, इट इज टाइम यू वेंट समवेयर। अब वो वक्त आ चुका है तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें कुछ शुरू करना चाहिए, तुम्हें कुछ खत्म करना चाहिए, वो सेंटेंस दिया होगा तब वो पास्ट में होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है तो मुझे बताएं। जी सर, समझ में आ रहा है। डन, क्लियर। इट इज टाइम यू डिड दिस, एग्जैक्टली ऐसे करके आपका बनेगा। तो इसमें अब आपको सबको अपने दिमाग में रख लेना है कि ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, ऐसे करके हमारा ये बन गया। डन, ओके। तो आप लोग इन सबके मतलब सबका सेम है, जिसका मतलब है अब वो वक्त आ चुका है। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आपको ना ध्यान रहे, हिंदी में लिख दे रहे हैं। अब वे वक्त वक्त आ चुका है। वक्त से याद आया, कुछ साल पहले हम कुछ टीचर्स ने एक गाना बनाया था, एक शो आने वाला था, वो शो शुरू हुआ नहीं, गाना बना था वो आगे बना नहीं। उसके लिरिक्स मेरे को याद आ गए, वो कुछ ऐसे ही थे कि वक्त की पुकार है जीत की दरकार है, नहीं वक्त की दरकार है जीत की पुकार है, पाके रहेंगे सिलेक्शन, ऐसा करके था। मुझे पूरा याद नहीं लेकिन वो ऐसा करके था, काफी जोश वाला था, लेकिन वो शो नहीं बन पाया कुछ रीजन की वजह से, कुछ हुआ और वो वहीं बंद हो गया। मैं आपको उसका, अगर मेरे को वीडियो मिलेगा ना तो मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा, सब लोगों के लिए था। और वो मैंने आपको बताता हूं, तब SSC 2016 या 17 की बात थे, तब का था, मतलब पुराना हो गया, SSC वाले स्टूडेंट्स के लिए था, बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, है ना। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, अपने अंदर भी ऐसी जीत की पुकार वाली बात रखना अपने अंदर, है ना, कि सिलेक्शन तो मिलेगा मिलेगा, और पढ़ते जाना। वैसे एक घंटा हो गया है, एक घंटे में हम लोगों ने 10th का चैप्टर करा है, और हमने कहा था पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेकिन आराम आराम से पढ़ते 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 हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसी चीज को अब कल कंटिन्यू करेंगे, पार्ट टू। आप बताओ क्या हम कल कंटिन्यू करें, या फिर आपको सेशन अच्छा लगा है ये भी मुझे बताओ, सब कुछ मुझे बताओ, सेशन बढ़िया लगा है, अच्छा लगा है कि नहीं। ज़्यादा लंबी क्लास करने का कोई मतलब नहीं है मेरा, बस क्लास एक घंटे हो गई सफिशिएंट है, और उसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओ, लेकिन पूरा कर लो। अच्छे समझ में आया सबको? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया।
ओके अब मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे हैं सर इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है, तो पीडीएफ मैं आपको यही वाली पीडीएफ दे दूं क्या? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है एज इट इज पीडीएफ चाहिए, तो ये वाली पीडीएफ दे दूं मैं, इसी को इंपोर्ट कर दूंगा एज इट इज जो लिखा हुआ, पूरी की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार मुझे बता दो तो मैं आपको यही पीडीएफ आज टेलीग्राम पर डाल दूंगा। बैंकर्स स्पीकर टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लेना, ये डाल दूं मैं, एक बार मुझे बता दो तो जैसा आप कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, है ना? मैं तो गुलाम हूं, ओ सॉरी मैं तो टीचर हूं, हाँ जैसा करोगे वैसा कर दूंगा। मेहनत मेहनत मत करना सर, पीडीएफ दे दो। अबे तुम्हें इसमें भी पीडीएफ चाहिए, कितने कहाँ कैसे कैसे व्यक्ति हो भाई, कोई मेहनत वेहनत नहीं करना चाहते, पहले ही बन जाते हम सरकारी आदमी, नौकरी तो लो यार, कोई मेहनत वेहनत करोगे कि नहीं करोगे? यही पीडीएफ चाहिए, धिक्कार है तुम लोगों पे, यही पीडीएफ चाहिए। तुम्हें लिखा नहीं गया इतनी देर से, मैं लिखा रहा था कि लिख लो लिख लो, मैं नहीं दूंगा ये पीडीएफ कुछ भी, बैठा रहो यहाँ पर, पीडीएफ चाहिए सर, आप लिख दो सर, मेहनत आप ही कर दो, सब आप कर दो, आप क्या, हम क्या करेंगे? हम तो सर बैठ के एकदम चिल करेंगे, चिल है, चिल करनी है, हो गई चिल। अरे या आ जाओ आप लोगों के लिए दोस्तों, देखो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए खूब इंग्लिश। इंग्लिश में वैसे मैं आपको आज की एक चीज और बताऊं, बढ़िया आज ना एक स्पेशल क्लास है शाम के 7 बजे, 7 PM आज एक स्पेशल क्लास है। क्या आज आप स्पेशल, सॉरी ओहो सॉरी सॉरी 7 PM नहीं 6 PM, माफ करना टाइम चेंज हो गया, सुबह मैंने 7 PM बताया था, 6 PM है। और ये जो टारगेट करते हुए, तो आज से अगर आप पढ़ना चाहोगे तो एक चीज है IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, जिनके टारगेट्स ये एग्जाम है ना, ये लोग बच्चे आज आ जाना, बताओ जिन लोगों के टारगेट्स ये हैं वो आज आ जाना आज स्पेशल क्लास में, ठीक है? आज की स्पेशल क्लास है 6 बजे, इनवाइट कोड ये है AVP10। आप सुनो कैसे आना होता है ये मैं आपको बता दूं, सिंपली आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, मेरा नाम ढूंढना है विशाल परिहार, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, मुझे फॉलो करके मेरी प्रोफाइल में आना है, जैसे प्लस लिखा होता है ऐसे स्पेशल लिखा होगा, स्पेशल पे टैप करो आपको क्लास दिख जाएगी, क्लास को ओपन करने के लिए इनवाइट कोड पूछा जाएगा एंड दिस इज योर कोड AVP10, आपकी क्लास ओपन हो जाएगी आज शाम 6 बजे, मिलना। पहली इंफॉर्मेशन ये, दूसरी इंफॉर्मेशन यहीं से आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, गेट सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन की स्लाइड दिख जाएगी 6/12/24 महीने की, आप सिंपली इस कोड को लगा चुके होंगे तो ठीक है, नहीं लगाया होगा तो कोड लगाना AVP10, आपके सबके डिस्काउंटेड प्राइस दिख जाएंगे। आपने यहां पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, आपने देखा सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब बेनिफिट क्या है? इंग्लिश तो आप मुझसे पढ़ ही रहे हो, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग जिसकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा, मतलब मैं अपने आपसे भी ज़्यादा आपको प्रायोरिटी कहता हूँ मैथ्स रीजनिंग के लिए, अगर आप RRB PO टारगेट किया है आपने, तो RRB PO टारगेट किया हो तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए अरुण सर पुनी सर की क्लास 16 तारीख से है, आज 14 है, कल 15 है, परसों 16 है, परसों से है 3 बजे रीजनिंग, 4 बजे मैथ्स, आप इन्हें पढ़ो, वही सेम कोड लगाओगे आप एक बार सारी क्लासेस आपको मिलेंगे। 23 तारीख से आपको मेरी क्लास मिल जाएगी जो ये वाली है बेसिक टू हाई IBPS PO SBI PO IBPS क्लर्क के लिए शाम 6 बजे से, और साथ के साथ GA की भी क्लास शुरू हो जाएगी 10,000 प्लस MCQ वाली। तो आपको ये एक नहीं दो नहीं सारी क्लासेस मिलती रहती है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। होता क्या है कि देखो जितने भी एग्जाम्स आपके सामने आते जाएंगे अभी से लेकर साल भर तक के, में जितने भी हम बैचेस लाएंगे सारे के सारे बैचेस में पढ़ो, और जब सोचो यार इतने आप मेहनत से सारी की सारी क्लासेस पढ़ रहे हो तो क्या फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप ना पढ़ पा रहे हो, ना सिलेक्शन ले पा रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, सिलेक्शन तो होगा, क्यों नहीं होगा, है ना? तो बस इसके लिए लगे रहो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत समस्या आएगी तो मेरे को बताना, ठीक है? और बाकी ये आपका अनअकैडमी कॉम्बैट है, एनरोल कर लेना। बाकी प्राइजेस जैसे मैंने मॉर्निंग बताए थे वो है, फर्स्ट आओगे तो एप्पल का आईपैड मिनी मिलेगा, सेकंड में एयरपोर्ट, थर्ड में JBL स्पीकर, अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना। बाकी खत्म करते हैं दोस्तों, हम कल मिलेंगे फिर से, और आज शाम को 7 बजे मिलते हैं पहले, और IBPS PO SBI PO उसके लिए 6 बजे मिलते हैं, IBPS PO SBI PO और IBPS क्लर्क के लिए। टाइम मैंने बार बार दो बार गलत बता दिया है, 7 बजे नहीं है 6 बजे, 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे, मैं ही ना भूल जाऊँ कहीं 7 बजे इंतजार करते करते, अब नहीं भूलूंगा, गलती हो गई 3-4 बार, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।